भाइयों, आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अपने उन भाइयों के लिए जो मेटल फेंसिंग में अपना कोई काम शुरू करना चाहते हैं या अपना कोई प्लांट लगाना चाहते हैं, जैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, इलेक्ट्रोफोर्टिक लेकर है, फॉस्फेटिंग है जिसको प्री ट्रीटमेंट बोलते हैं, जिसके बाद पाउडर कोटिंग की जाती है, स्प्रे लेकर है, स्प्रे पेंट है। तो इसके सारे जो प्लांट लगाए जाते हैं, क्या क्या केमिकल यूज होते हैं, उसमें होने वाली क्या क्या परेशानियां हैं, उनको दूर करने के लिए क्या क्या हमें करना है, वो सब ट्रेनिंग मैं आपको फ्री दूंगा इस चैनल के माध्यम से। आप इस चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन भी दबाएँ, क्योंकि जब भी मैं नया वीडियो डालूँगा तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आज मैं आपको केवल बेसिक समझाऊंगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग में निकल प्लेटिंग के, क्योंकि निकल प्लेटिंग का स्कोप बहुत ज़्यादा है, मार्केट में निकल प्लेटिंग ज़्यादा होती है, तो उसी के बेसिक में आपको समझाऊंगा। देखिए, निकल प्लेटिंग में केमिकल को किस तरह तैयार करना है, इलेक्ट्रोलाइट को किस तरह तैयार करना है, वो अमूमन लोग जानते हैं, लेकिन नए लोगों के लिए मैं बताऊँगा, वो आप कहीं पर मेरे अगले चैनल में मैं दोबारा रिपीट करूंगा। आज मैं आपको बता रहा हूं, तो आप कोई पेन या कॉपी ले लें, वीडियो को पॉज कर दें, पेन या कॉपी ले लें और उसके बाद बैठें, मैं आपको समझाऊंगा निकल इलेक्ट्रोप्लेटिंग में निकल का पानी हम कैसे बनाते हैं, निकल का केमिकल, निकल का इलेक्ट्रोलाइट हम कैसे बनाते हैं। देखिए, इसमें तीन चीज़ बेसिक होती हैं। निकल सल्फेट होता है जो हम 225 से 250 ग्राम पर लीटर के हिसाब से डालते हैं, मतलब एक लीटर पानी में 250 ग्राम निकल सल्फेट, उसी हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा कि कितना पानी आपको बनाना है। और 50 ग्राम पर लीटर निकल क्लोराइड और 40 ग्राम पर लीटर बोरिक एसिड। पानी गर्म होने के बाद इन तीनों चीज़ों को जिस प्रक्रम में मैंने बताई हैं, जिस सीरियल में मैंने बताई हैं, पहले निकल सल्फेट, फिर निकल क्लोराइड और उसके बाद बोरिक एसिड को घोल दीजिएगा गर्म पानी करने के बाद। ये आसानी से घुल जाता है, इसमें कोई टेक्निकल उसकी ज़रूरत नहीं है, टेक्निकल जानकारी की, आराम से घुल जाता है। इसको घोलने के बाद पानी गर्म कीजिए और इसमें पानी में फ़िल्टर लगता है, जहाँ से आप मशीनरी खरीदेंगे वहाँ से आपको फ़िल्टर मिलेगा, आपका जो जितना बड़ा टैंक है उसके हिसाब से फ़िल्टर मिलेगा। आप एक फ़िल्टर ख़रीद लीजिए और उसमें पानी में उस फ़िल्टर को चालू कर दीजिएगा, जिससे पानी के अंदर जो भी सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं, मतलब बिना घुले कण, धूल के कण जो भी होते हैं, वो साफ़ हो जाएंगे, जिससे प्लेटिंग हमारी अच्छी आएगी। उसके बाद में आप इसमें डालने वाले केमिकल होते हैं, प्रोप्राइटरी केमिकल होते हैं, अलग अलग कंपनियों के आते हैं, एक ब्राइटनर होता है और इसके साथ में एक एडिटिव होता है, तो ये दो केमिकल होते हैं। एक केमिकल को जो एडिटिव होता है उसको कंपनियां मेकअप के नाम से भी जानती हैं, मेकअप में डाला जाता है ये, और स्टार्टिंग में ये 10 ml पर लीटर डलेगा, एक लीटर पानी में 10 ml। और जो ब्राइटनर है वो हम डालेंगे 0.5 ml पर लीटर स्टार्टिंग में डालेंगे। ये आपका निकल इलेक्ट्रोप्लेटिंग का टैंक तैयार हो जाएगा। इसके बाद टैंक को हम रेक्टिफायर से कनेक्ट करेंगे। रेक्टिफायर से कनेक्ट करने के लिए आपको ध्यान रखना है, जो माइनस पॉइंट होता है, जब करंट निकलता है, डीसी करंट निकलता है, तो उसमें एक माइनस पॉइंट होता है, एक प्लस पॉइंट होता है। प्लस पॉइंट को हम एनोड पर, मतलब जहां पर हमें एनोड लटकाने हैं उस पर जोड़ेंगे, और माइनस पॉइंट को जिस पीस के ऊपर हमें प्लेटिंग करनी है, जिस रॉड पर लटकाकर हमें प्लेटिंग करनी है, उस रॉड पर हम माइनस पॉइंट लगाएंगे। इसका प्रैक्टिकल वीडियो भी मैं आपको जारी करूंगा, आप मेरे सभी वीडियो देखते रहिए। तो जब ये करंट चालू हो जाएगा
जो केमिकल मैंने डालने के लिए बताया वो आपने डाल दिया, उसके बाद पीस को हम उस पर लटका के देखेंगे। करंट हमारा 5 वोल्ट से 10 वोल्ट तक होता है, करंट हम इतना देंगे कि क्योंकि आप स्टार्टिंग में एक या दो पीस लगा के देखेंगे, करंट कम रखें। बस आपको ध्यान ये रखना है, पीस लगा के लगाने के बाद आप देख लें पीस नीचे से बर्न तो नहीं हो रहा है, जल तो नहीं रहा है पीस नीचे से। उसकी इंडिकेशन ये है कि पीस नीचे से रफ़ हो जाएगा, पीस नीचे से रफ़ हो जाएगा, खुरखुरा हो जाएगा और उस पर चमक नहीं आएगी। ऊपर के हिस्से में चमक आएगी, नीचे के हिस्से में चमक के साथ साथ खुरखुरापन और डलनेस आ जाएगी, तो समझिए करंट ज़्यादा है, करंट को कम कर दीजिए, आपकी चमक आनी शुरू हो जाएगी। अब इसके बाद डिपेंड करता है चमक आपको कितनी चाहिए, कैसी चाहिए, तो वो जो हमने ब्राइटनर और एडिटिव या मेकअप केमिकल डाला है उस पर डिपेंड करता है, वो हम धीरे धीरे इसमें बढ़ाएंगे। वो किस तरह हमें बढ़ाना है, कैसे बढ़ाना है, वो भी सब मैं आपको बताऊंगा। ब्राइटनर को हम बढ़ाएंगे 0.1 ml/L के हिसाब से स्टेप वाइज, जब हमारी चमक पूरी हो जाएगी तब हम उसको डालना रोकेंगे। और एडिटिव अगर आपने 10 ml/L डाल दिया है तो वो सफिशियंट है, उसको बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी टैंक नया बनता है तो उसमें ब्लैकनेस आती है, सल्फेट या किसी केमिकल में कोई इम्प्योरिटी होती है, आप जहाँ से परचेज करेंगे नहीं कह सकते, कई बार इस तरह का हो जाता है। तो उसके लिए कंपनियों के प्रोप्राइटरी केमिकल आते हैं निकल सिक स्ट्रेंथ के नाम से, तो वो आप 0.5 ml/L अगर लिक्विड में है तो, और अगर सॉलिड में है तब भी 0.5 g/L। अब सादा पानी में, गर्म पानी में घोल लें उसको और टैंक में डाल लें, तो वो ब्लैकनेस जो कालापन आ रहा है दूर हो जाएगा। तो इस तरह आपकी प्लेटिंग चालू हो जाएगी। ये मैंने टैंक प्लेटिंग, वेट प्लेटिंग का आपको बताया। आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसकी बैरल प्लेटिंग कैसे करती हैं, सबके वीडियो मैं जारी करूंगा आपको, किस तरह कनेक्शन लगाने हैं, क्या लगाने हैं। ये ट्रेनिंग सारी मेरी फ्री रहेगी। अगर किसी आदमी को पर्टिकुलर किसी स्पेशल प्लेटिंग की, सपोज वो निकल नहीं करना चाहता, जिंक, क्रोम, कॉपर, ब्रास, टिन, गोल्ड, सिल्वर कोई करना चाहता है तो वो मुझे कमेंट करे, मैं उसका वीडियो पहले बना के डाल दूँगा। मेरा मकसद समाज में मेटल फिनिशिंग के वर्क में जो भी लोग काम कर रहे हैं उनकी सेवा करना है, और मेरा कोई भी इस तरह का नहीं है। मैं आपको कंपनियां भी बताऊंगा, अगर आप कहेंगे कि किस कंपनी का कौन सा केमिकल बेटर होता है। सभी कंपनियों के सभी केमिकल अच्छे नहीं होते हैं। अगर आप कहें कि भाई हम इस कंपनी की केमिस्ट्री चलाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि जितनी भी अलग अलग तरह की प्लेटिंग होती हैं हर प्लेटिंग की केमिस्ट्री हर कंपनी की अच्छी हो। हर कंपनी में कुछ एक स्पेशलाइज्ड केमिकल होते हैं, तो उन केमिकलों को मैं रिकमेंड करता हूँ, वो आप चलाइए और आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। अगर प्लेटिंग करते समय जिन लोगों के प्लांट लगे हुए हैं उन्हें कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम आ रही है, उन्हें कोई दिक्कत आ रही है, तो वो भी कमेंट कर सकते हैं और मुझसे उसके बारे में उसका सलूशन पूछ सकते हैं, उसका भी मैं जवाब दूंगा। और मेरे को मैसेज करें, मैं आपको वीडियो बनाऊंगा, डालूंगा, आप उस तरह करके देखेंगे तो निश्चित ही आपको उसमें सुधार मिलेगा, फ़ायदा होगा, आपकी जो प्रोडक्शन है टर्बन फ्री चलेगी। मैं कुछ इस तरह के पॉइंट भी आपको बताऊंगा, प्लांट लगाने के बाद दिक्कत डेवलप ही ना हो, परेशानी पैदा ही ना हो और आपका प्लांट स्मूथ चलता रहे, उसके लिए हमें क्या करना है। क्योंकि देखिए क्या होता है, जब कोई पेशेंट बन जाता है, कोई बीमार बन जाता है, तो उस बीमार को दवा दे के सही करने में टाइम लगता है। हमें कोशिश ये करनी है कि हमें अपने प्रोसेस की इम्यूनिटी बनाए रखनी है। जिस प्रकार आदमी के शरीर की इम्यूनिटी बनी रहनी ज़रूरी है, उसी प्रकार हमारे किसी भी प्रोसेस, किसी भी मशीनरी की इम्यूनिटी बनी रहनी ज़रूरी है। उसके लिए हमें क्या क्या उपाय करने हैं वो मैं आपको बताऊँगा अगले वीडियो में। धन्यवाद भाइयों, आपको किसी भी बारे में कोई और जानकारी चाहिए तो उसके लिए मुझे वीडियो मैसेज करें, मैं वीडियो बनाकर आपको भेजूंगा। धन्यवाद।